हरे कृष्णा। मैं राधा मोहिनी मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर जुहू में आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि हम पश्चाताप के भाव से कैसे बाहर निकलें, अर्थात हाउ टू ओवरकम द गिल्ट। आइए जाने गिल्ट कब होती है और ये समस्या किस भाग में आती है। जैसे कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, हर भौतिक जीव को तीन प्रकार की समस्याओं का सदैव सामना करते रहना पड़ता है। पहली है आदि भौतिक, जब एक भौतिक जीव दूसरे भौतिक जीव को समस्या देता है उसे आदि भौतिक समस्या कहते हैं। दूसरी समस्या होती है आदि दैविक, जब देवी देवता या प्रकृति एक साथ कई जीवों को समस्या का कारण बन जाती है तो उन समस्याओं को आदि दैविक कहते हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इन सब में एक साथ कई लोगों को दुख भोगना पड़ता है। तो ये हो गई आदि भौतिक समस्याएं। और तीसरी समस्या जो भौतिक जीवों को झेलनी पड़ती है वो है आध्यात्मिक समस्या। आध्यात्मिक समस्याएं वो समस्याएं होती हैं जिसमें कोई दूसरा भौतिक जीव कारण नहीं होता है, जिसमें कोई देवी देवता कारण नहीं होते हैं। दुख का कारण कौन होता है? वह स्वयं। और हम अपने आप को कैसे दुख दे सकते हैं? हम अपने आप को दो तरीके से दुख दे सकते हैं, एक शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से दुख मतलब यदि हम अपने आहार विहार खान पान पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और हमारा शरीर मोटा हो जाएगा तो हमें बहुत सी समस्याओं का समाधान करना समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। और इसी तरह यदि हम अपने शरीर का देखभाल ना करें तो बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, तो इसके कारण हम खुद होते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक समाज में, आधुनिक समय में हम शारीर से अधिक मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं। और मानसिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो हम खुद अपने मन के अंदर सोचते रहते हैं और परेशान होते हैं। और आध्यात्मिक में मानसिक समस्याएं जो होती हैं वो तीन तरह से विभक्त की जा सकती हैं, एक भूतकाल से जुड़ी हुई, एक वर्तमान काल की और एक भविष्य काल की। और भूतकाल की जो समस्याएं होती हैं वो कैसे होती हैं वो अभी हम समझेंगे। और इसी में गिल्ट अर्थात पश्चाताप वाली समस्या आती है। हम कब गिल्ट महसूस करते हैं? बहुत समय पहले हमने अनजाने में या जाने में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर दिए, ऐसे गलत काम हमसे हो गए जो हमने अज्ञानता में कर दिया है। या तो हमें उन कर्मों का ज्ञान नहीं था या हमें उन कर्मों के फल का ज्ञान नहीं था। परंतु आज कुछ समय के पश्चात थोड़ी परिपक्वता आने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हमने उस समय बहुत गलत काम कर दिया था और हम अब उस गलत काम को करने के लिए अपने आप को, स्वयं को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और उसे भुला नहीं पा रहे हैं। तो भूतकाल में स्वयं अपने द्वारा की गई गलतियों को याद करके जब हम स्वयं को माफ़ नहीं कर पाते और उसे भूल नहीं पाते तब हमें पछतावा होता है। इसे ही कहते हैं गिल्ट। अब आइए इस समस्या का समाधान ढूंढें। और समस्या का समाधान बड़ा सरल है। हम आज वर्तमान में स्थित हैं, क्या हम भूतकाल में जा करके उस घटना में दोबारा रह करके क्या हम उस गलती को सुधार सकते हैं? जी नहीं, हम भूतकाल में नहीं जा सकते। जो हो चुका है वो हो चुका है। जिसके साथ भी हमने कुछ गलत काम किया था
अनजाने में या जाने में आज हमें उसका एहसास हो रहा है, तो हमारे लिए सबसे पहला काम हो जाता है कि यदि वो व्यक्ति विशेष हमारे संपर्क में है तो हम उससे मिलें और उससे क्षमा याचना की प्रार्थना करें, उससे कहें कि मुझसे अनजाने में गलती हो गई थी और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यदि वो हमें माफ़ कर देगा तो हम स्वयं को माफ़ कर लेंगे, परंतु यदि हम उनके संपर्क में नहीं हैं, संपर्क स्थापित नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हमें भगवान के समक्ष जा करके, भगवान के समक्ष अपनी इन बातों को, इन गलतियों को स्वीकार करके प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। और प्रार्थना करने के पश्चात हमें स्वयं को माफ़ कर देना चाहिए और उस घटना को भूल जाना चाहिए। परंतु उस घटना में हमसे जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हमें अब आगे नहीं दोहराना है, इसका हमें दृढ़ निश्चय करना है। तो गिल्ट में से बाहर आने के लिए, पश्चाताप से बाहर आने के लिए ये कुछ सरल उपाय हैं। हम भूतकाल में जा करके उस घटना को बदल नहीं सकते, जो काम हमने गलत किए थे उसे अब सही नहीं कर सकते, हम सिर्फ उस घटना से सीख सकते हैं। तो हमें जिसके साथ भी हमने गलती की है उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि वो नहीं मिल रहा है तो हमें भगवान के समक्ष जा करके अपनी गलती स्वीकार करके भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, हमें स्वयं को माफ़ कर देना चाहिए और हमें उस चीज़ को भूल जानी चाहिए, उस घटना को। और पांचवी चीज़, उस घटना की सीख को याद रखना है कि आगे से हमसे यह गलती दोबारा ना हो। तो इस तरह से हमने आज समझा कि ये जो पश्चाताप है ये कौन सी प्रकार की समस्या है, ये क्यों होती है और इसका समाधान क्या है, पश्चाताप या गिल्ट में से कैसे बाहर आएं। और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आज के आधुनिक युग में कई लोग पश्चाताप में स्वयं को माफ़ ना करके अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को बिगाड़ते हैं, अर्थात वे सदैव अपने आप को कोसते रहते हैं और वर्तमान में जो वो अपनी प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक और भक्ति, आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति, उनसे वे वंचित रह जाते हैं। गिल्ट और वरी, पश्चाताप, पछतावा और चिंता, ये दो ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे इमोशन हैं जिनसे कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। गिल्ट एंड वरी आर वर्थलेस इमोशंस। हमें इन दोनों को सदैव अपने जीवन से बाहर निकाल कर रखना चाहिए, क्योंकि हम भूतकाल के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम भविष्यकाल के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वर्तमान में अपने कर्तव्य कर सकते हैं। तो भूतकाल की गिल्ट और भविष्यकाल की वरी, चिंताएं, इन दोनों से हमें सदैव मुक्त रहना चाहिए, इन दोनों के लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा।